लेकिन जब साधना की शुरुआत हुई तो आप लोग देखते होंगे अलग अलग अनुभव होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के। कुछ लोग पूछते हैं मन को कैसे रोका जाए, क्या अनुभव हो कैसे किया जाए, सोचते रहते हैं, न सवाल कर पाते हैं, समय का भी अभाव होता है और पकड़ भी कुछ लोगों की कमज़ोर होती है शब्द के ऊपर। तो जब आप बैठोगे ध्यान के अंदर, शुरुआत करोगे, नाम का सुमरण करोगे, तो एकदम से आपका मन नहीं लगेगा। पहले जब आप एक घंटा बैठोगे तो एक मिनट के लिए आपका ध्यान लग जाए, कुछ पल के लिए मन एकाग्र हो जाए, कुछ क्षण के लिए एकदम से मन शांत हो जाए, केवल नाम के ऊपर रुक जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। कुछ लोग सोचते होंगे एक मिनट ध्यान लगने से क्या होता है। एक मिनट भी अगर आपका ध्यान लगा तो समझ लेना आपको उस रास्ते पर चलने के लिए रास्ते खुलने लगे हैं, परमात्मा ने आपके लिए दरवाजे खोल दिए हैं। एक घंटा बैठोगे, दो घंटा बैठोगे तो भी ध्यान लग जाए, वो भी बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि ध्यान लगना इतना आसान काम नहीं है। जब आपका आसन सिद्ध होने लगता है, जब आप बैठने लगते हो, आप अनुभव करोगे पैरों के अंदर से ऊर्जा सिमटने लगती है और वो ऊपर की ओर उठने लगती है। जब वो ऊर्जा ऊपर की ओर उठेगी, आपके पैर सुन्न होने लगेंगे, धीरे धीरे ऐसा एहसास होने लगेगा कि हमारे पैर हैं ही नहीं, पैर कहाँ गए। कुछ लोग घबरा जाते हैं कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो गया हो कि हमारे पैर उठे ही नहीं, चलने के लायक ही नहीं बचूं, हड़बड़ाते हैं, उठ जाते हैं। फिर लंबे समय ये साधना चलती रहती है तो वो जब सिमटने लगती है, ऊर्जा ऊपर चढ़ने लगती है तो हम घबरा जाते हैं। कुछ लोग भय के कारण से, कुछ लोग और बहुत कारणों से, कुछ लोग अपने शरीर में कभी पैर में दर्द हुआ, कभी हाथ में दर्द हुआ, कभी थोड़ा सा शरीर में और कहीं दर्द हुआ, भयभीत हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अंदर में भय उत्पन्न हो जाता है, वो उठ जाते हैं। बहुत कारण होते हैं, ये तो कुछ ही है। तो आप बैठोगे तो ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। अगर आपने उस ऊर्जा को नहीं संभाला, अगर आपने अपना वो जो रूटीन बना रखा है, जो आपने नाम सुमरण की हर रोज कोशिश की है, जो साधना में आप बैठे हो, अगर वो रूटीन नहीं बना, आपने रोक दिया, वो ऊर्जा जहाँ तक चढ़ी वहीं रुक जाती है। कुछ लोग कहते हैं मैं ध्यान के अंदर बैठता हूँ, मन के अंदर सवाल आने लगते हैं, न चाहते हुए भी वासनाएं मन के अंदर प्रभावित करने लगती हैं, स्त्रियों को पुरुष दिखाई देने लगते हैं, पुरुषों को स्त्रियां दिखाई देने लगती हैं, ये क्यों हो रहा है, साधना करते करते हुए भी ऐसा क्यों होता है। जब साधना नहीं करते थे तब ये विचार कम आते थे, अब ऐसा क्यों चल रहा है। जब आप साधना करते हैं आपकी ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, अगर आप उसको और साधना बढ़ाते जाएंगे तो वो ऊर्जा और स्पीड से उठती चली जाएगी, लेकिन जब वो ऊर्जा सिमटती है और वो जब अपने जनन अंगों तक पहुंचती है, वहाँ जा करके आप वहीं रोक देते हो इसको और ऊपर नहीं उठाते, न उठाना चाहते, क्योंकि उसके अंदर आपको आनंद आने लगता है कि नहीं ये तो सही है, बिल्कुल सही हो रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये क्या हो गया, इससे अच्छा तो नए साधना नहीं करता तो ही सही था,
अब ये वासना बार बार क्यों अंदर झटके मार रही है, ऐसा क्यों चल रहा है। लेकिन इनका समाधान जो बैठे हुए हैं उनको भी पता नहीं कि ये हो क्या रहा है, जो वहाँ नहीं पहुँचे उनको भी नहीं पता कि ये चल क्या रहा है और क्यों हो रहा है, कैसे इसको रोका जाए, कैसे ऊपर चढ़ाई हो। आप सवाल करो किसी के पास जा करके, आपको भटका देगा, भय पैदा कर देगा, भ्रम पैदा कर देगा आपको, और कामी पुरुष कह करके आपको भगा देगा वहाँ से कि तुम्हारे अंदर तो काम भरा पड़ा है, क्या है ये, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो अनजान लोग हैं, वो साधना के मार्ग को नहीं जानते, वो इस क्षेत्र में गए ही नहीं, उन्हें नहीं पता किस प्रकार से चढ़ाई होती है, कहाँ से चढ़ा जाता है, शुरुआत कहाँ से होती है, उन जब चढ़े ही नहीं, उस रास्ते पर गए ही नहीं, वो आपको कैसे ले करके जाएंगे, नहीं ले करके जा सकते। ले करके वही जाएगा जो स्वयं गया हो। जब कोई खुद ही बंधा हुआ हो वो आपके रस्से कैसे खोलेगा, वो तो आपके रस्सों को ढीला भी नहीं कर सकता। आपके सवालों के उत्तर उनके पास नहीं होंगे, बस आपको धमका दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। लेकिन जो साधना के सवाल हैं वो अलग तरह के होते हैं, वो ऐसे सवाल नहीं होते कि मुझे भूत दिखाई देते हैं, वो ऐसे सवाल नहीं होते, वो चित्र अलग है। वहाँ चढ़ाई की बातें होती हैं, वहाँ साधना की बातें होती हैं, वहाँ एक एक शब्द को तोल करके बोला जाता है, वहाँ मन के ऊपर भी पकड़ होती है। अगर आप इस ऊर्जा को धीरे धीरे उठाते रहें परमात्मा की ओर, वहाँ बढ़ाते रहें एक एक कदम करके, तो आप इस स्थिति से ऊपर उठ जाओगे। जब आप इस स्थिति से ऊपर उठ जाओगे तो धीरे धीरे ये काम ऊर्जा आपकी दूर होने लगेगी, कमज़ोर पड़ने लगेगी, आपको आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी, आपका मन बदल जाएगा, हृदय भी परिवर्तन होने लगेगा, आपका चेहरा भी बदल जाएगा, आपके चेहरे के ऊपर नूर झलकने लगेगा, तेज आने लगेगा, शब्द के अंदर बल होने लगेगा, नाम का प्रभाव होने लगेगा, और ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे कार्य से ऊपर उठ करके साधना के मार्ग पर चलने लगोगे। लेकिन जब तक ये मन पकड़ में नहीं आता, साधना बहुत मुश्किल कार्य है।